सत श्री अकाल जी दोस्तों, मैं करमबीर सिंह, थोड़ा सब का स्वागत है मेरे चैनल करमबीर साइकिलिस्ट पे। दोस्तों कुछ दिनों से तुम सोचते होने भी करमबीर सिंह कितने गैप हो गया। मेरे दोस्तों इंजरी सज्जी लाते दे विच काफ़ी ज़्यादा आ चुकी थी, ट्रीटमेंट करा रहा मैं बैंगलोर दे विच, ते 10-15 दिन की रैसट दसी गई थी डॉक्टर साहब वालों मैनू। तो रैसट जिहड़ी जिहड़ी मेरी इंजरी आ वो काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, लत की जिहड़ी मूवमेंट आ वो घट हो रही थी, उहदे अकॉर्डिंग मैनू डॉक्टरी सलाह नाल रैसट लेनी पैनी सी। तो अज बहुत दिन बाद टाइम लग गया, 3-4 दिन बाद, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन तो आरामे ले रहा, क्योंकि मैं ये मैं अपनी रिकवरी करा बॉडी की, क्योंकि 1.5 महीना हो चलिया सी साइकिलिंग करते, रिकवरी के कारण मैनू जिहड़ी प्रॉब्लम आई है जिहड़ी अज साइकिलिंग दे इंजरी दी तां ही आई है। तो बाकी डॉक्टर साहब ने कहा भी तुसीं रैसट लेके शुरू करो, तो कोशिश करो भी किलोमीटर थोड़े घटाए जाए। तो दोस्तों कुछ दिनों तो जिहड़ा मेरे नाल जो हो रहा सी, मैं थोड़ा कल्ला है, तो मैं थोड़ा मेरे कोई सलाह देने वास्ते कोई बंदा नहीं था, तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग चलना पैंता सी। वीडियो बनाने का टाइम नहीं लग्या क्योंकि नींद काफ़ी ज़्यादा आती रहती है। फिर मैं ये मैं अपनी रैसट करा, जो मैं वेला होया मैं थोड़े नाल थोड़े लिए तुहानूं दसा भी मैं कित्थे आ, क्यों रैसट कर रहा, तो किन्नी इंजरी है। कल मेरी रिपोर्ट आ जानी है जी, तो कल मतलब जो भी जो मेरा प्रोसैस आ भी मैं किन्नी देर रैसट करनी है, तो क्यों इंजरी हुई आ, मसल क्यों हार्ड हो गया ज़्यादा, क्यों पैर मूवमेंट नहीं कर रहा, घट कर रहा है, तो की वजह है, कल डॉक्टर साहब ने सारा कुछ दस देना मैं। तो सानू दोस्तों मैं दसदा भी जिहड़ी मेरी जर्नी हुण तक रही आ साइकिलिंग दी, जिन्ना भी मैं किया है 7-8 हज़ार किलोमीटर, बहुत वधिया रहा। जिहड़ी मैनू इंजरी आई है किस कारण आई है, हिल एरिया बहुत आया, क्योंकि हिल एरिया इन्ने ज़्यादा कई हिल एरिया 20-25-25-30-30 किलोमीटर के भी मिले आ, जिहड़े कि मैं चलता रहा फिर मैं रुकया नहीं आ। बट जो मैनू इंजरी फील होने लग गई, पहला मैनू हुंदा सी जो मैं बंबई महाराष्ट्र अपनी मासी कोल सी, उत्थे भी मेरे नाल गोडे दा होया, फिर मैनू होण लग गया था फील भी मैनू शायद अगे जाकर इंजरी मैनू काफ़ी ज़्यादा फेस ऑफ करनी पैनी है। वो चीज़ जी होने लग गई, दिखन लग गई थी जो मैं कर्नाटक एंटर होया, मैं हिले चढ़न लग गया, तो दूजा उत्ते मीह बहुत मिले, तो मैं जाना सी कन्याकुमारी। फिर सत श्री अकाल जी दोस्तों, मैं करमबीर सिंह, थोड़ा स्वागत है मेरे चैनल करमबीर साइकिलिस्ट पे। दोस्तों तुम सोच रहे होने कुछ दिनों तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, या रूट से साइकिलिंग जी राइड रोकी हुई है। दोस्तों मैनू इंजरी आ चुकी थी सज्जी लत्त दे विच, इन्हां दे इत्थे आया मैं इत्थे ट्रीटमेंट कराया, तो इन्हां नूं चैक किया, तो इन्हां दस्सिया मैनू भी पंप लत्तां प्रैशर दे नाल ज़्यादा थोड़ी जिहड़ी हार्ड हो चुकी लत्तां, तो हुण मेरे जिहड़ा ट्रीटमेंट शुरू हो चुके हैं। अज मैं डॉक्टर साहब कोल पहुँच चुके, कल मैं दिखा गया सी वीरे, तो अज फिर इन्हां नूं चैक करना मैनू, जिहड़ा कि इन्हां दस्सिया मैनू भी जिहड़ा किलोमीटर 200 किलोमीटर जिहड़ा पर डे साइकिलिंग कर रहा सी, उहदे बजाय मैनू 150 किलोमीटर करना पैणा है। तो दूसरा मैं ध्यान रखना पैना भी मैं हिल एरिए ना जावा, क्योंकि हिल एरिए जाके ही ज़्यादा मैं प्रॉब्लम आती है। तो बाकी आप गलबात करते हैं, क्योंकि ज़्यादा उ दसूंगे भी मैं की अक्सर क्यों प्रॉब्लम आई है, क्यों मैं इंजरी इन्नी ज़्यादा जी लत्त के पेन शुरू हुई है। तो आओ दोस्तों सर नाल गल करते हैं, जो थोड़ा दिल कर। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं करमबीर एक बहुत वधिया एक वड्डे नेक काम वास्ते निकले हुए ने, बट मैं इस तरह लगता है कि हजे जी इन्हों की कंडीशन है वो अकॉर्डिंगली इन्हों थोड़े दिन वास्ते रैसट, हफ्ता 10 दिन वास्ते थोड़ा जहा रैसट करना चाहिए है, और कुछ ट्रीटमेंट जी है वह भी मैं स्टार्ट की है। सो आप कर रहे हैं कोशिश कि जल्दी तो जल्दी इन्हों की रिकवरी हो, अपना जो मकसद लैके चले ने उन्होंने अच्छी तरह पूरा कर पा। थोड़ा जहा मेरे ओपीनियन दे विच जिहड़ी साइकलिंग भी हैगी उहदी ड्यूरेशन जिहड़ी हैगी है दिन दी उहनूं भी थोड़ा जिहा घट करना चाहीदा हैगा वै, क्योंकि इहनां दे नाल गल करके लग्गा मैनूं पता चल्या कि करीब 180 तों 200 किलोमीटर तक डेली कर रहे ने, आई थिंक उहनूं थोड़ा जिहा घटाउण दी लोड़ हैगी है, जदों तक कि बॉडी फुल रिकवरी ना कर जाए, ताकि अपने पुराना जिहड़ा पोटेंशियल है उहनूं अचीव करन। उहदे वास्ते कुछ आपां इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी हैगी उह भी करवा रहे हैगे आ,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲ ਏਰੀ ਆਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਹਿਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨੋਰਮਲ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 7 ਜਾਂ 8 ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈ ਅਪ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਟੈਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਰੈਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।